सब्सक्राइब कीजिए रॉयल अवधि किचन को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बैंगन की सब्ज़ी। इसके लिए हम लेंगे 3 बड़े साइज़ के मैंने बैंगन है, इनको मैंने कट करके रख लिया है, और 3 मीडियम साइज़ की प्याज़ है, उनको भी मैंने कट करके रख लिया है, और 3 ही टमाटर हैं, इनको भी मैंने कट करके रख लिया है। आधा चम्मच कुटी हुई मिर्च, 1.5 चम्मच नमक, आधा चम्मच ज़ीरा और 1 पिंच हींग। गार्निशिंग के लिए हमने लेना है 5 हरी मिर्च और हरा धनिया। तो आइए अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम एक पैन लेंगे और पैन में मैंने 50 ml मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, उसको मैंने गर्म कर लिया था। गर्म करने के बाद थोड़ा ठंडा होने दिया। उसमें प्याज डालेंगे और मीडियम फ्लेम रखेंगे हम। देखिए प्याज ब्राउन होना स्टार्ट हो गई है। अब हम इसमें बैंगन डालेंगे। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्लेम हम इसकी मीडियम ही रखेंगे। और अब हम इसमें ये सब मसाले डाल देंगे। मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसकी फ्लेम को स्लो कर देंगे और इसमें पानी हम नहीं डालेंगे, क्योंकि जब हम स्लो फ्लेम करेंगे तो वो खुद पानी अपना छोड़ेगा। उसी में इन बैंगन को हमें पकाना है। और अब हम इसको कवर कर देंगे। अब हम इसको खोल कर देखते हैं। देखिए बैंगन ने पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। देखिए बैंगन ने पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। हम इसको कवर कर देंगे। इसको अब हम जब तक पकाएंगे जब तक कि ये पानी इसका ड्राई ना हो जाए। अब हम इसको खोल के देखते हैं। देखिए पानी इसका ड्राई हो चुका है और अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे। हम इसको तब तक भूनेंगे जब तक कि तेल सरफेस पर ना आ जाए। इस तरह से हम इसको मैश कर लेंगे। इसे भून लेंगे। इस तरह से खूब अच्छे से मैश करेंगे और भूनते जाएंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे और हरी मिर्च को हम इसमें मिक्स कर लेंगे। हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। आधा हरा धनिया हम इसमें डाल देंगे और आधा हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। बैंगन की सब्ज़ी जितनी भुनती है उतनी ही टेस्टी बनती है। हम इसको जितना भून लेंगे उतनी ही ये टेस्टी बनेगी।
बैंगन की सब्ज़ी अब बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम इसको सर्व करेंगे।